माँ की चूत बहन की लोड़ी। वेलकम टू ज़ेरेनिया म्यूजिक गाइस, योर ऑनलाइन म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट चैनल। मैं हूं जुशान मलिक और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी पब्लिक रिएक्शन सीरीज में, जिसका नाम है पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं, खुशी में इंसान अक्सर बजाता है ताली और गुस्से में मुंह से हमेशा क्या निकलती है, गाली। तो आज हम लोगों से बात करेंगे, दिल्ली वालों से। इतनी गाली क्यों देते हैं, अरे क्या चक्कर है गालियों का? सो लेट्स गो। दिल्ली इज मशहूर फॉर टू थिंग्स, फूड और गाली। सो व्हाट्स योर फेवरेट गाली? माँ की चूत तुम्हारी बहन की चूत, भोसड़ी वालों रंडी को चमार चोत के पिल्लों तुम्हारी बहन का भोसड़ा। आई लव दिल्ली, माँ की चूत दिल्ली से मुझे प्यारे मादर चोत के बच्चे। चूतिया बहन चोत माँ चोत देनी है साड़ी। चूतिया बेंचो 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 माँ की चूत मादर चोत। बहन का लोड़ा, बहन की चूत, ऑल ऑफ दैट। भोसड़ी वाला मादर चोत बेंचो बहन का लोड़ा। कौन सी कौन सी सिचुएशन है जिसमें गाली अक्सर मुंह से निकलती है? क्या हालात होते हैं, क्या सिचुएशन होती है कि अक्सर गाली निकलती है मुझसे? जब मतलब है ना, हम कुछ कर रहे होते हैं और हमारा मजाक बन जाता है तो दिमाग से आते बैंचो। जैसे जैसे कुछ अम्यूजिंग दिखा, ओ फक बहन की चूत कितना क्यूट है। इंसान कर लेता है। सामने वाला जड़ा कोई उल्टा सीधा पंगा कर जावे या कोई ऐसी तैसी करे, उंगल करे ता सीधी गाल निकल दी। सर प्यार दिखाने के लिए भी करते हैं, अरे बहन चूत तू तो मेरा दोस्त है। अरे वाह, ऐसे वाला। एक बात करो, बंदी को मत दिखाइयो कभी ऐसे, ठीक है ना? सिचुएशन में डेली आइट्स के लिए लाइक खुश है बहन चूत, यहां चल खुश है वीसी, चल चुप हो जा वीसी, ये कर वीसी वो कर। बहन चूत कहां है तू? You can use banchot as a verb, as a noun. So like if you are surprised, you say अरे banchot. तो like if you are गुस्से में तो लोग बोलते ही है, तो like हर expression में तुम use कर सकते हो ये word. दिल्ली में आपका स्वागत है। Traffic होगा, कोई ना कोई आके आगे आपके आगे लग जाएगा, traffic में घुसने की कोशिश करेगा, चल banchot हट। शक्ल ऐसी हो तो क्या निकलेगा? दोस्तों ये वो चेहरा है जिसमें 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गालियां पड़ती हैं। ऑफिस में जब मैनेजर मारता है तब तब उसको बोलते नहीं, बट उसको ये कहते हैं साला चूतिया है, साला बीवी से लड़का है, चूतिया है साला। अरे भैंचोद क्या बात कर रहा है तू, सही है यार, मजा आ गया कसम से। जब फ्रेंड सर्कल में होते हैं तो आपस में तेरी बहन की, तेरी माँ की, तेरी ये सब चलता रहता है आपस। हाँ मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, पीछे से हों पों 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 रेगुलरली कंसिस्टेंटली पों पों पों, भैंचोद उड़ा के लेके जाएगा यार गाड़ी को तू, सड़क पे चला रहा ना गाड़ी। आदत सी हो गई है यार, आदत सी हो गई, आदत हो गई, अब तो बिना गाली के चलता ही नहीं है। चल चल, हम लोग तो मतलब लड़कों के साथ होते हैं तो गालियाँ तो चलती है, रैंडम फ्लो में आती रहती है। हेल्पिंग वर्ब की तरह, तो एक तरह से स्टार्टिंग वर्ब भी मतलब मतलब हिंदी जो मात्रा होती है वही पहली। हम तो लिखने में भी बीसी, लोग लड़कियां सोचती हैं बीसी इज बिकॉज़, बट हमारा तो भैंचोद ही है वो। कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई गाली दी और ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई हो, किसी ने सुन लिया हो, ऐसा नहीं एक ऑकवर्ड एक्सपीरियंस यू हैव व्हाइल अब्यूजिंग? मेरी भाई से मेरी लड़ाई हो रही थी, क्लास में बैठा था एक दोस्त, मजे में भैंचोद चुप हो जा, मैडम ने सुन लिया, भगा दी क्लास से बाहर। तो मम्मी खड़ी थी साइड में, मेरा छोटा भाई भी था और मेरा डायरेक्ट था कि गांड मेरा अभी जाके। मैंने अपनी मम्मी को फोन किया, मम्मी ने बोला कि मैंने ये लिया, वो बहुत एक्सपेंसिव था, तो मैंने बोला ओ फक। तो क्लाइंट के लिए भेजे गए थे, मुझे भेजा गया था कन्विंस करने के लिए, तो मैंने ऐसे बोलते बोलते मैं बोलती अरे वो बकचोदी कर रहा है सर, तो ऑल वाज सरप्राइज, तो मेरी तो लग गई उस समय। गली में खड़ा हुआ था, अच्छा दोस्त भी था साथ में, एक बंदे से लड़ाई हुई थी, एक ही बंदे से हुई थी, तो वो कुछ बता रहा था मेरे को इसके बारे में, ये वो इतने में अरे उसकी तो माँ चोद देंगे बहन की, इतने में पीछे से देखा पापा आ रहे थे। अरे ऑलराइट गाइस, तो ये था दिल्ली का रिएक्शन गाली गलोच के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें, एंड व्हाटएवर यू फील अबाउट द वीडियो कमेंट डाउन बिलो, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली सब्सक्राइब करो यार टू ज़ेरेनिया म्यूजिक। और आप हमारा पीछा कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे विद द नेम ऑफ ज़ेरेनियम, लिंक आपको दिख रहे होंगे। थैंक यू।